नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo A54 वर्सेस Realme Narzo 30 Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Oppo A54 में 6.44 इंच जबकि Narzo 30 Pro में 6.39 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Oppo A54 से कम है। विड्थ की बात करें तो Oppo A54 में 2.98 इंच जबकि Narzo 30 Pro में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Oppo A54 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Oppo A54 में 0.33 इंच जबकि Narzo 30 Pro में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Oppo A54 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Oppo A54 में 192 ग्राम्स जबकि Narzo 30 Pro में 194 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Oppo A54 में 6.51 इंचेस जबकि Narzo 30 Pro में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Oppo A54 में 720x1600 और Narzo 30 Pro में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Oppo A54 में 82.62% जबकि Narzo 30 Pro में 83.74% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Oppo A54 में 270 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Narzo 30 Pro में 405 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Oppo A54 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Narzo 30 Pro की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Oppo A54 में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Narzo 30 Pro की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Oppo A54 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Narzo 30 Pro में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Oppo A54 में Powerwall GE8320 जबकि Narzo 30 Pro में Mali G57MC3 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Oppo A54 में MediaTek Helio P35 और Narzo 30 Pro में MediaTek Dimensity 800UMT6873V मिलता है। बात करें RAM की तो Oppo A54 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 4GB, 6GB की RAM मिलती है, जबकि Narzo 30 Pro में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Oppo A54 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB, 128GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Narzo 30 Pro में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V10 Qt देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Oppo A54 में 3 कलर्स जबकि Narzo 30 Pro में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो ओप्पो A54 में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 13,480 रुपीस, 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 14,480 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,990 रुपीस में मिलता है। और बात करें नार्जो 30 प्रो की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 18,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो ओप्पो A54 में 10 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme Narzo 30 Pro की तो उसमें 5 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Narzo 30 Pro आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Narzo 30 Pro आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 Pro है जो कि 17,857 रुपए में मिलता है। दूसरा Realme 8 है जो कि 13,999 रुपए में मिलता है। तीसरा Vivo Y31 2021 है जो कि 16,490 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo F19 है जो कि 17,990 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।